हेलो बच्चों, वेलकम टू वीके सागर एकेडमी। अभी हम जानेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। ये बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। The elements are separated by commas and are enclosed within curly braces. बच्चों यहां इस फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं और एलिमेंट्स के बीच में कॉमास लगाए जाते हैं और वो curly braces में curly bracket में लिखे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें बच्चों, जैसे यहां वॉबिस का सेट देख पा रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स सभी बॉबिस लिए गए हैं, ए ई आई ओ यू, और इनके बीच में कॉमास लगाए गए हैं। ऐसे ही आप ये देखें कि नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3, क्योंकि नेचुरल नंबर्स बहुत होते हैं, हम सभी के सभी नहीं दिखा सकते, तो इसके 3-4 एलिमेंट दिखा देते हैं, उसके बाद डॉट 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 लगा दिए जाते हैं। तो जो फाइनाइट सेट है, मतलब जिनके एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं, वो तो सारे के सारे दिखाए जाते हैं, लेकिन जिनके एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स दिखा दिए जाते हैं और बाकी जो है हमें पता होता है कि बाकी एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे, तो उनके जो एलिमेंट्स नहीं लिखे होते हैं उनके लिए हम डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं।